किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मैंने डिप्लोमा किया है होटल मैनेजमेंट में और अपनी कुजीन को लेके कंफ्यूजन में हूँ कि मैं इंडियन में जाऊँ या फिर मैं कॉन्टी में जाऊँ। तो यहाँ पे मैं उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप कहीं मत जाइए, सिर्फ आप अपनी बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है 1 साल का, तो क्योंकि उसके बाद आपको अपनी ट्रेनिंग्स के लिए जाना है, 6-7 महीने आपको बिताने हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ अपने बेसिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। जब आप बेसिक समझ पाएंगे, चाहे वो इंडियन के हो, कॉन्टी के हो या किसी भी और डिपार्टमेंट के हो, तो आपके दिल में, जहन में उस एक पर्टिकुलर कुजीन के लिए एक जगह बन जाएगी और आप खुद समझ पाएंगे कि मुझे काउंटी में जाना है या इंडियन में जाना है। पर शुरुआत में बेसिक्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं, मैं नीचे नंबर डाल दूंगा, वहां पे मेरी कई सारी बुक्स हैं, बुकलेट्स हैं, जो कि आपको, अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, स्पेशली होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और शिप में जाना चाहते हैं या फिर आप एक होटल में जॉब करना चाहते हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं क्या करूं, तो आप वो सारी बुक्स ले सकते हैं, जिनको कि पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना है। पर टोटल अगर मैं मोटा मोटा बोलना चाहूं, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको इस कुजीन में जाना है, उस कुजीन में जाना है, सिंपली आपको सोचना है कि मेरे जो बेसिक्स हैं वो मजबूत हो जाएं, और उसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हैं।